स्वजन, जीवन में सत्संग भगवान की कृपा के बिना नहीं मिलता। बिना भगवान की कृपा के भगवान की कथा को सुनना बड़ा असंभव है। हम कितना ही प्रयास कर लें कि हम भगवान की कथा को सुन लें, लेकिन जब तक वो प्रभु ना चाहे तब तक हम भगवान की ओर एक कदम नहीं बढ़ा सकते। इसलिए कहते हैं न ये तन साधन न ये धन हो से मिलने वाली है। कोई कहे कि मैं बहुत धनी हूं और मैं कथा करा लूंगा, तुम मेरे सज्जनों प्रिय बंधुओं वो धन अलमारी में रह जाएगा, लेकिन अब उससे कथा हो जाएगी संभव नहीं है। कोई कहे कि मैं बहुत बलवान हूं, मैं बहुत ज्यादा शारीरिक बल मुझ में है, और कहे कि मैं बल के आधार पर कथा सुन लूंगा, तो क्या ये संभव है? ये बिल्कुल भी संभव नहीं। तो कैसे संभव होता है? तो संत कहते हैं स्वजनों तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, कोई कोई होता है बिरला जिसके ऊपर तेरी कृपा हो जाए। मेरे गोविंद मेरे महादेव आप जिस पर कृपा करो उसे कथा सुनाते हो, वरना कथा में बैठ कर के भी लोग कथा नहीं सुन सकते। आपका शरीर तो कथा में होगा लेकिन आपका चित्त कहीं और हो जाएगा महाराज, क्योंकि कलयुग ने आपके ऊपर अपना डेरा डाल दिया है। महाराज कथा में ऐसे सूखा रह जाता है जैसे आपने अरबी का पत्ता देखा है, अरबी का पत्ता वो कितनी बारिश हो जाए महाराज उसके ऊपर जल भी पड़ा रहेगा लेकिन वो पानी में भीगता नहीं, वो सूखा रह जाता है। जैसे कमल का पत्र, कमल आपने देखा होगा कीचड़ में है पानी में है लेकिन पानी की बूंद टिकती नहीं। बंधु निवेदन करूं मैं आपसे, हम कितने ज्ञानवान हैं, कितने बुद्धिमान हैं, कितने धनवान हैं, हमारे पास पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य, हमारे पास कितनी सामाजिक उन्नति हमने की है, इससे भगवान को कोई मतलब नहीं है। आप कौन हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहां से आए हैं, आप कितना जानते हैं। बंधु निवेदन करूं मैं आपसे, जब कभी आपको मौका मिले, सौभाग्य आपको मिले कि आप भगवान की कथा में जा रहे हैं,
या भगवान के मंदिर जा रहे हैं, किसी सत्संग में जा रहे हैं, या किसी ऐसे तीर्थ पर जा रहे हैं जहां भगवान की विशेष कृपा है, तो निवेदन करूं मैं आपसे, वहां अभिमान का मुकुट पहनकर मत जाना। वहां कभी अपने